बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा रमीज अली, आप देख रहे हैं आज से एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने वेव्स का जो कि डीप फ्रीज़र है जो कि मिनी साइज़ में है, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर कर दें ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपकी तरफ आती रहे। फ्रेंड्स बड़ा सपोर्टेड किया आप लोगों ने ताकि मेरी वीडियो आपकी तरफ पहुँच रही है और रिलाईबल है। और इसका फ्रेंड्स मॉडल है WDF313। ये मिनी साइज़ है और बहुत ही अच्छा ब्रांड है। आपके सामने अनबॉक्स करेंगे, इसकी प्रॉपर्ली स्पेसिफिकेशन आपको बताते हैं। फ्रेंड्स वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर दें ताकि हम इसको अनबॉक्स कर लें। सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, थैंक यू। और फ्रेंड्स एडवांस टेक्नोलॉजी है, लार्ज स्टोरेज है इसमें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स फास्ट फ्रीज सिस्टम है इसमें, एनर्जी एफिशिएंस के साथ है। और साथ साथ बताता जो 2 साल पार्ट्स की वारंटी है और इसके कंप्रेसर की वारंटी है, 3 साल कंप्रेसर की वारंटी है फ्रेंड्स। और आपके सामने हम इसकी पट्टियाँ उतार रहे हैं, उतार के आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। फुट भी पैक हुआ है फ्रेंड्स और ये दरमियान वाली पट्टी हमें काटनी पड़ेगी और आपको हम काट के दिखाते हैं फ्रेंड्स इसको। इसका फ्रेंड्स नेट वेट है 57 kg, ग्रॉस वेट की बात की है 64 kg है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक वॉच करें और इसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आपके सामने। और ये वाइट कलर में फुली बॉक्स हमने हटा दिया है और इसके साथ ही थर्मापोल लगे हैं जो कि प्रॉपरली डैमेज ना हो, ऊपर से देखे नीचे तक इसको फुल सील पैक किया जाता है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं आपके सामने शॉपिंग बैग भी लगे। अब इसको पूरा उतार के दिखाते हैं शॉपिंग बैग और इसको खोल के भी दिखाते हैं कितना इसके अंदर डोर है। ओ फ्रेंड्स आगे बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद के लिए बहुत बहुत नयाब चीज़ है ये बकरा ईद के लिए। और इसमें बेशक ऊँट का गोश्त और देख सकते हैं बेड़े का भी गोश्त डाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है फ्रेंड्स और प्रॉपर्ली आपको स्पेसिफिकेशन बता दी थी इसकी। और ये देख सकते हैं इसका हम शॉपर उतार के आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। बाकी वीडियो को फुली वॉच करें ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपके लिए बातें दिखाएँ। और ये देख सकते हैं 2 पट्टियाँ लगी है, वो हमने हटानी है। हटाने के बाद आपको फ्रेंड्स अनबॉक्स करके दिखाना है। और ये देख सकते हैं हम इसकी पट्टियाँ हटा चुके हैं और इसके बाद हमने इसके थर्माकोल साइडों से उतार लेने हैं। उतारने के बाद इसके शॉपर उतार के आपको दिखाएंगे। और ये देख सकते हैं हमने थर्माकोल उतार दिया, उतारने के बाद हम इसका शॉपर भी फ्रेंड्स से उतार लें। और ये शॉपर भी हमने फ्रेंड्स हटा लिया तकरीबन। उसके बाद हम उसको दिखाते हैं अंदर से और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, मिनी साइज़ में है, छोटी फैमिली के लिए बहुत ही नया चीज़ है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं हम इसको प्रॉपर्ली आपको दिखा दें, लेफ्ट साइड एंड फ्रंट साइड एंड बैक साइड बिल्कुल ही साफ़ सुथरे हैं। और इसमें फैन लगा होता है 12 वाट का जो कि इसमें से वाइब्रेटर की हवा जो है ना गर्म बाहर फेंकता है फ्रेंड्स। बाकी मैंने आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताया था फ्रेंड्स जो कि इसका मॉडल है WDF313। और इसमें 220-240 वाट इसमें बिजली कंज्यूम करता है फ्रेंड्स। ये 1.3 एम्पेयर है लेता है। और इसमें ये पच्ची लगी है ऑटोमेटिक, कहीं भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक। इसमें लाइट लगी है, जब डोर ओपन करेंगे ऑटोमेटिक लाइट्स इसमें ऑन हो जाएगी फ्रेंड। और इसमें वारंटी कार्ड्स भी है हमारे पास पड़ा हुआ और इसके बाद वारंटी कार्ड्स को संभालना बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा ये इसकी कैप्स भी अंदर पड़ी हुई है जो कि पानी को सील कर देती है। उसके बाद स्क्रैपर भी हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि हम इसमें वो बर्फ़ वगैरह निकाली हो, जो कि डोर को ओपन करते साथ ही ऑटोमेटिक इसमें लाइट्स ऑन हो जाती है। और इसके फ्रंट्स में लॉक भी दिया गया है जो कि चाबी इसके साथ दी जाती है जो कि लॉक इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं इसमें एक अदद स्क्रैपर दिया गया है और इसमें पानी को लॉक करने के लिए यानी नीचे जो निपल लगाने के लिए वो भी इसके साथ ही दी गई है। जस्ट एपल बच्ची दी गई है, कहीं भी आप लगा सकते हैं इसको फ्रेंड्स, चाहे अपना खाना बनाने के लिए आगे की तरफ भी कर सकते हैं। और ये लाइट्स है, इसको ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है जिस टाइम हम इसको फ्रीज़र को ऑन करते हैं। हम ऊपर
जब डोर ओपन करते हैं ऑटोमेटिक इसमें ऑन हो जाता है। ये इसका वारंटी कार्ड है फ्रेंड्स, वो बुक भी है और वारंटी कार्ड भी है, दोनों ही चीज़ें इसके साथ अटैच कर दी गई हैं, जो कि वारंटी कार्ड बहुत ज़रूरी होता है संभालना और ये नहीं घूमना चाहिए फ्रेंड्स इसकी वारंटी क्लेम करके। उसके बाद ये देख सकते हैं थर्मामीटर है जो, तो आप देख सकते हैं ये मैं आपको थर्मामीटर एडजस्ट करने के बता रहा हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अगर कूलिंग या हीट चाहिए तो उसके बाद आप फुल कर लें इसको, नहीं तो नॉर्मली अगर चाहिए तो आप इसको सेंटर में रख सकते हैं या तो 8-10 डॉट गुजर के उसके बाद रख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं रेड लाइट जो पावर लाइट है, और उसके बाद देख सकते हैं ग्रीन लाइट जो कि कंप्रेसर की लाइट है, वो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा ट्रिप होता है नहीं होता है। और ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर कर दिया करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।